हो, हम रिजर्वेशन खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो सर, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, याद रखना। और ये जो अडानी अंबानी की सरकार तुम चला रहे हो ना, कोई बेवकूफ नहीं है, पूरा भारत जानता है देश में क्या हो रहा है, पूरे भारत के लोग इतने समझदार है कि तुम्हारी जो रणनीति है वो जानते हैं बहुत अच्छे से। पागल नहीं है यहाँ पे कोई, याद रखो तुम सब लोग। अमित शाह, ये मोदी, ये योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, ये 10% रिजर्वेशन जो दे रहे हैं, ओ सर ये रिजर्वेशन कुछ नहीं होती, जो पैर धो रहे हो ना तुम वहां पर जाके दलितों के पैर धो रहे हो, उससे कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ उनके लिए। तुम ये 13 point रोस्टर लाकर रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो और भाई साहब वहां पर जाकर पैर धो रहे हैं मोदी, 5 लोगों को लेकर बैठ गए, क्या दिखाना चाह रहे हो तुम, क्या दिखाना चाह रहे हो, बड़े वो हो, बड़े प्रेमी हो तुम तो दलितों के, तभी तो 13 point रोस्टर लाए हो, ये दिख रहा है तुमको, याद रखना। उखाड़ के फेंकेंगे तुम्हें 2019 में, तुम्हारा पत्ता साफ कर देंगे। ये दलित शक्ति तुम्हें अभी पता नहीं है क्या चीज है। जिस दिन अगर हमने आवाज खड़ी कर दी ना, देखो तुम्हारा क्या होता है इस देश में, भारत देश में, याद रखो तुम, बहुत बुरी हालत होने वाली है बेटा, याद रखो बहुत बुरे दिन आने वाले तुम्हारे, अच्छे दिन तो तुम ला नहीं सके पर बुरे दिन तुम्हारे आएंगे, देखना जरूर, बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन फिर हमारे लोगों के आएंगे 2019 के बाद आएंगे हमारे अच्छे दिन। अभी तक तो जितने बुरे दिन भारत के आगे शायद कभी ना आए हो, कभी नहीं देखे इतने बुरे दिन किसी ने, हमने स्टूडेंट्स ने किसी ने नहीं देखे इतने बुरे दिन जितने अब हमको देखने पड़ रहे हैं। हर चीज में प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज में इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है दलितों को मिट्टी में मिलाने की, और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ये अडानी अंबानी को ऊपर पहुंचाने की, ब्राह्मणवाद को ऊपर पहुंचाने की। तो बेटा मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तुम सुन लो, 2019 में तुम्हें ऐसे खोल के फेंकेंगे, तुम्हारा पत्ता साफ करेंगे, याद रखो ये बात। धन्यवाद साथियों।